क्या नाम है आपका? अनिल डूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली तिगड़ी खानपुर। खानपुर। अच्छा, जब आए थे उस समय क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? उस टाइम मुझे वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, इनको खड़ा नहीं होने का प्रॉब्लम हो रही थी, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रास्ते में आते आते वॉमिटिंग कितनी बार हुई? 2-3 बार हुई थी। जब आए थे तो बड़ी मुश्किल से आए, चल के बड़े मुश्किल से आए, पकड़ पकड़ के लेकर आए। अब तो पूरे अब तो वो एक महीने के बाद इनको लगा कि मेरे में स्ट्रेंथ आ गई है थोड़ी सी। तो क्रिएटिनिन लेवल्स कितने थे जब हमने शुरू किया? तब 8.5 था। 8.5 ओके। और डायलिसिस उस टाइम पे आप करा रहे थे? हाँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते होते ही 5 डायलिसिस हो चुके थे हॉस्पिटल में एडमिट होके। उसके बाद वीक में 2 टाइम्स करा था, ट्वाइस अ वीक डायलिसिस डॉक्टर्स ने बोला था। और उसके बाद भी डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन लेवल्स कितने चल रहे थे आपके? तब भी उतना ही चल रहा था, 8, 7, 7.5, उससे कम नहीं हो रहा था। कम नहीं हो रहा था ना डायलिसिस। तो फिर इधर जब आया तो 1 month के बाद ही हमने फिर चेक करवाया तो हमारा 5 इंप्रूव हो गया था, 5 हो गया था, 8 से 5 पहुंच गया था। अच्छा, तो 3 महीने की दवाई में आपके सामने रिपोर्ट 2.4 मेरे सामने, आप बताइए कैमरे में खुद 2.4 है, 2.4 है क्रिएटिनिन लेवल, क्रिएटिनिन आज 3 महीने के बाद। और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट है, वॉक भी कर लेते हैं, फर्क है मुझे महसूस, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना जो आपने बताई थी जी, सारी चीजें कर, डाइट का बहुत ध्यान रखा है, डाइट बहुत ज्यादा, डाइट भी रखिए, मेडिसिन भी टाइम टू टाइम लिया, बिल्कुल बहुत अच्छे मिरेकुलस चेंजेस हैं। खुद ही वो कहते हैं कि मेरे को कितनों को बताया हम लोगों ने वहाँ भी। परसों 5 तारीख को मेरे एक फ्रेंड लेके गए आपसे दवाई, अच्छा मुकेश नाम से, अच्छा जी हाँ जी, उन्हें मैंने यही कहा था, उनके 13 था क्रिएटिनिन, तो वो भी डायलिसिस के लिए आ रहे थे हमारे साथ। अच्छा, तो तब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं तो हफ्ते में एक दफा करा रहा हूँ, अब वहाँ जा भी हमें जरूरत लगती नहीं है क्योंकि कोई स्वेलिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम स्वेलिंग नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है कुछ। लेकिन अगर आप कहो तो तभी हम बंद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज़ वन ऑफ द रिपोर्ट्स अगर धीरे धीरे करेंगे ताकि रिलैप्स ना हो, विल बी डूइंग इट ग्रेजुअली। अभी रिपोर्ट्स हैं बहुत अच्छे रिपोर्ट्स हैं और पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यूरिक वगैरह भी क्यों हो रहा है? यूरिया भी कम है, पहले से रिड्यूस है, पहले से था लेकिन बिल्कुल खत्म होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि एकदम से पहले डायलिसिस आपका रिड्यूस हो गया, ये बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज डायलिसिस जो है एक लाइफ टाइम प्रक्रिया होती है, तो हमने ये कहते हैं मेरे पास यही खत्म हो जाए डायलिसिस तो फिर मैं शांत तो आएगा तो मगर हो जाएगा। अब मैं डायलिसिस कराता हूँ तो मेरे को बहुत वीकनेस महसूस हो, जरूरत भी नहीं लगती होगी, जरूरत लगती नहीं है। मैं क्या बता देता हूँ कैसे रिड्यूस करना है आपको, ऑलमोस्ट बंद ही कर देंगे क्योंकि क्रिएटिनिन बहुत अच्छा ही आया। आप ये देख सकते हैं कि डिस्चार्ज समरी है, जब ये डिस्चार्ज होते बत्रा हॉस्पिटल है, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जिसके पास, जिसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आज हमारे पास ना हो, सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी, ऑलमोस्ट हर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जिन इतने पेशेंट्स की उनको सबको इम्प्रूवमेंट्स नजर आए। एक और बत्रा हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और आप देख सकते हैं इनका जो क्रिएटिनिन है इस रिपोर्ट के अंदर 8.1 है, इस पर जूम करो, 8.1 क्रिएटिनिन जब डिस्चार्ज हुए हैं, और इस समय इनका डायलिसिस हुआ उसके बाद ये रिपोर्ट्स ली गई थी, और इनका बत्रा हॉस्पिटल से डायलिसिस कराया अभी वहीं से चल रहा है, और ये इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है कि किस प्रकार से इनका डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन जो है वो 11 है, 9 है, 7.4 है, 8.4 है, क्लियरली इस चार्ट में आपको विजिबल है, और यूरिया 225 229 है, किस तरीके से यूरिया भी बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। और आप इन्होंने एक और टेस्ट कराया, डॉक्टर लालपैत लैब से ही कराया, ये अपने आस पास से ही कराया जी, आस पास अनिल डूंगा जी चितरंजन पार्क में है ये, और 4/12/2018 रिसेंट रिपोर्ट है, 2.48 है क्रिएटिनिन, यूरिया है 54, यूरिक एसिड वगैरह सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सब चीज़ें नॉर्मल के रेंज में है। तो किस प्रकार से बगैर डायलिसिस के, डायलिसिस 2 बार चल रहा था, 8 के आसपास है क्रिएटिनिन, बगैर अब डायलिसिस 1 बार और क्रिएटिनिन 2 के आसपास है, और वो भी डायलिसिस की इनको जरूरत अब ऑलमोस्ट नहीं है, अच्छे से इन्होंने सब चीजें फॉलो करी और टोटली डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर हैं। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कर्म आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है यहाँ की दवाई लेने से, तो मैं और भी सबसे यही कहूँगा कि आप यहाँ से ही दवाई लें।
किडनी प्रोसेस के लिए। आप कुछ बताना चाहेंगे क्या कैसे कैसे दिक्कत थी इनको, आप कैसे कैसे आराम है? पहले बहुत ज्यादा वीकनेस थी, एकदम से होपलेस हो चुके थे। जैसे ही केम टू नो कि इनको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, किडनी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसके बाद नहीं होपलेस हो चुके थे। सो जब यहाँ पे सजेस्ट किया और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर्स से मिलने के बाद थोड़ी सी होप मिली एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद विद इन अ 15-20 डेज में ही इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। सो वी बिकम सो होपफुल, सो इट्स रियली बेस्ट फॉर अस। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, इवन आई हैव सजेस्टेड सो मैनी माई फ्रेंड्स हु आर सफरिंग फ्रॉम, देयर पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस problem, so they have already taken the medicine from doctor side as well. So it's really best and I believe it's a cure. हम तो ये कहते हैं कि कर्मा आयुर्वेदिक ने ही मुझे खड़ा किया। मेरे को याद है आप आए थे, बड़ी मुश्किल से आए थे, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा रास्ते में ही 3-4 बार vomiting, 3-4 बार बैठ भी नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। लेटा के तो लेके आए हम गाड़ी में इनको, एक महीने के बाद इनको लग रहा है कि हमें कुछ लग रहा है। अब 3 महीने की दवाई के बाद तो मुझे बेस्ट, बहुत बढ़िया। स्टॉप किडनी डायलिसिस जी। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।